Hi everyone and welcome back to the channel for yet another super duper amazing review, and today I'm reviewing this particular guy, the OnePlus Nord Buds 2R. आपको एक बड़ी ओपन करके भी दिखा देता हूँ. Check these out guys, check these out. So it's been a few months since I bought these. मैंने इनको last October में खरीदा था and उसके बाद इनको मैंने बाद शायद मैंने इसका आपको first impression review दिया था. And from the past few months, especially in this year 2024, this is actually my go-to partner. Especially in the environments like the Spark and call के लिए भी ये मेरा ही partner है, क्योंकि जितने भी TWS earbuds मैंने try किए हैं, जितने भी मेरे पास हैं, उनमें से इसका mic जो है सबसे best है. मैंने पहले भी आपको सुनाया था, आज भी एक बार सुनाऊंगा तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा. एंड दूसरी एक चीज़ की बहुत अच्छी है कि इसकी बैटरी लाइफ अमेजिंग लेवल पे है. डायमेंशन सुपर डुपर कॉम्पैक्ट है, तो आपकी पॉकेट में आ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा. देन दूसरी तीसरी चीज़ की जो बर्ड्स हैं, चेंज आउट मैन, दे आर सुपर डुपर कॉम्पैक्ट. एंड अगर आपने इसे ईयर में डाल लिया जस्ट लाइक दैट तो पता भी नहीं चलता, एंड आप रनिंग भी कर लो तब भी ये गिरने नहीं वाला. तो आज के वीडियो में बहुत सारी बातें रहने वाली हैं, सो एंड तक बने रहना तभी आपको ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में. एंड अप टू 2000 रुपीज़ के बजट में अगर आप TWS ढूंढ रहे हो तो दिस कैन बी द बेस्टेस्ट ऑप्शन. पॉजिटिव से हमने थोड़ी बहुत शुरुआत तो डेफिनेटली की है, बट मेरे हिसाब से नेगेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एक रिव्यू के अंदर. तो सबसे पहला नेगेटिव मुझे इसके अंदर पता क्या लगता है, इसके अंदर कोई खास बैटरी इंडिकेटर नहीं आता. केस की बात कर रहा हूँ मैं, आपने ईयरबड कनेक्ट किया हुआ अपने फ़ोन के साथ तो वहाँ पर उसका बैटरी इंडिकेटर आ जाएगा. एंड दैट इज़ द सुपर डुपर गुड थिंग अबाउट इट, क्योंकि वो बैटरी बहुत ही कम यूज़ होती है. एंड जो इसका ओवरऑल बैटरी बैकअप है दैट इज़ एक्चुअली सुपर डुपर अमेजिंग. बट मैं चाहता था कि केस में भी कुछ होता है, यहाँ पर सिर्फ एक लाइट का ऑप्शन है एंड वो मैंने आज तक इसको रेड पिक कर ही नहीं पाया. मैं मतलब मैं ऐसे 15-20 दिन तक यूज़ कर रहा हूँ, दैन उसके बाद उसे चार्ज कर रहा था वापस से फुल हो जाता है. तो एक ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि हाँ, आपको जब एग्जैक्टली पता करना है ना तब आप पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चलो ईयरबड्स की बैटरी तो आप अपने फ़ोन में चेक कर ही सकते हो. दूसरी एक अमेजिंग चीज़ की बात बताऊँ कि पॉजिटिव के अंदर डाल सकते हैं हम लोग, जितना मर्जी मैं शेक कर लूँ इसे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ईयरबड लगा हुआ है, रनिंग कर लूँ कुछ भी कर लूँ, इट विल नॉट फॉल ऑफ. जो उसका डिज़ाइन है दैट इज़ सिक्योर्ड एंड पूरे आपके ईयर में फिट हो जाता है. एंड फिट होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इट इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी इटसेल्फ. बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, किसी भी टाइप का ईयरबड या हेडफोन ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ मत करना, ईयर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, बहुत से लोगों की मैंने सुन भी ली है. सो दैट इज़ देयर. बट हाँ, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, आधा एक घंटा यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं, कॉल करनी है फ़ोन को ऐसे पकड़ने से अच्छा इसको लगा लो, दैट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट. तो एक वो चीज़ है, एक चलता फिरता आपको नेगेटिव बताने की मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसकी लुक्स के ऊपर ही यू नो लिंक्ड है. लुक्स भी ठीक है, बर्ड्स के लुक्स काफ़ी क्यूट हैं, बट ये जो कलर है ना गाइस, ये कलर फोटोज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट टू मी. बाकी देखो, कलर का सबके अपने हिसाब से होता है, तो टू बी ऑनेस्ट ब्लैक या वाइट आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से. तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो गाइस, वो आ रहा है OnePlus Nord Buds 2R की माइक से. एंड अभी आप नोटिस करो द एनवायरनमेंट, एकदम आउटसाइड का एनवायरनमेंट है ये, पार्क का एरिया, एंड कुछ इस तरह का ऑडियो आप इस पर्टिकुलर ईयरबड से एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड एक बार फिर से कर लेते हैं ऑडियो टेस्ट 1 2 3, ऑडियो टेस्ट 1 2 3. काफी तेज, काफी अच्छी खासी स्पीड पे, लेकिन मैं उसको नहीं सुन पा रहा क्योंकि ये उन्होंने मेरे कान को प्रॉपरली चारों तरफ से बंद कर दिया. एंड अब मैं जो ऑडियो सुनूंगा वो एकदम प्रॉपर ऐसे एनवायरनमेंट में आता है जैसे कि बिल्कुल कोई शांत रूम होता ना, बिल्कुल वैसा. अभी मैं जितने आवाज़ में आपको बोल रहा हूँ, मुझे अंदर अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही है. सो ये बात अच्छी लगती है, एक कम्फर्टेबिलिटी की बात है. मेरे पास एक हॉपअप की एयर डोज भी है, अगर मैं उनसे कंपेयर करता हूँ ना तो वो कान के अंदर थोड़ा ज़्यादा चले जाता था, वो थोड़ा सा डिसकम्फर्टिंग रहता है, ये उतना अंदर नहीं जाता. मैं आपको नोटिस कराता हूँ, ये देखो ये इतना सा है एंड ये बस इतना सा अंदर गया जस्ट लाइक दैट. एंड
क्या, इट इज वेरी कंफर्टेबल, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत अच्छी है, एंड माइक का ऑडियो तो आपने सुना ही है, ओपन एनवायरनमेंट के अंदर विद फैन के एनवायरनमेंट के अंदर हर जगह इसका माइक बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है, एंड ऑडियो क्वालिटी इज टॉप नॉच। मेरा फ़ोन जो है अगर मैं इससे कोई भी ईयरबड्स यूज़ करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बेस का अमाउंट कम मिलता है, इसके अंदर इट इज़ क्वाइट बैलेंस, बट अपने टैबलेट के साथ अगर मैं यूज़ करता हूँ जो कि है रियल मी पैड, उसके अंदर डी टी एस ऑडियो का सपोर्ट है, नहीं आई थिंक मेरे फ़ोन में डी टी एस ऑडियो का सपोर्ट है जो कि A6Z, एंड जो टैबलेट है उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो उसके अंदर बेस थोड़ा ज़्यादा आता है, अनक्लैरिटी भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो इन कंपैरिजन टू डी टी एस ऑडियो। बट हाँ, बड़े सिस्टम पर चलाता हूँ जैसे कि अपनी कार में, तो मेरा फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इट इज़ आई डोंट नो कि ऊपर नीचे हर जगह इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं कि आप लोग, तो अगर मैं सारे वेरिएबल्स बताने लगूंगा तो भैया काम हो जाएगा अपना। बट हाँ, नॉइस कैंसिलेशन, कंफर्ट, माइक, ऑडियो क्वालिटी इज टॉप नॉच, बैटरी लाइफ इज टॉप नॉच। जस्ट मेरे को सबसे बड़ा इसके साथ एक ही ग्रज है कि दैट आई शुड हैव सिलेक्टेड द वाइट कलर और द ब्लैक कलर, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगा, बाकी इट डज फील प्रीमियम अंडर द 2000 रुपीज प्राइस बैग। एंड कॉल के लिए गाइज आपको दोनों ईयरबड्स लगाने की कोई नीड नहीं है, आप चाहो राइट लगाओ चाहो लेफ्ट लगाओ, वैसे तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुकी है थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द TWS ईयरबड्स। एंड अभी आप नोटिस करो मैंने एक ही लगाया हुआ था बिकॉज आई वाज ऑन अ कॉल, एंड दूसरा यहाँ पे आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। एंड ऑडियो क्वालिटी आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ली हुई है माइक के साथ कैसी आ रही है, आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसके नेगेटिव्स ना बहुत कम है, कहीं आप लोग लग रहा होगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होगा वन प्लस से, यार अभी चैनल का साइज देखो इतना पिद्दा सा चैनल है। दूसरा, इसको मैंने लिया था अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में, आपको नहीं है अगर आइडिया, आप सोच रहे हो कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, तो एक हॉल वाला वीडियो है जिसके अंदर मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन से काफ़ी सारा सामान लिया था, आई थिंक देयर आर टोटल ऑफ 3 वीडियोज इन दैट, तो उसके अंदर आप देखना आपको ये दिख जाएगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू उसका कब आया था वो भी आप चीज़ नोटिस कर लें, बस ड्यू टू टाइट शेड्यूल और हर चीज़ मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई दिस वीडियो कॉल दिस लेट, इतना लेट मेरा डालने का इरादा था नहीं उसको, बट ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स राइट। सो हम मिलते हैं गाइस आप सबसे कमेंट सेक्शन के अंदर फॉर द वन प्लस नॉट बड्स 2 आर, ये ATP बना दूँ क्या बताना, एंड इसके बारे में आपको कुछ भी जानना होगा, कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी मोस्टली मेरा रिव्यू उसका पॉजिटिव साइड पर ही है, एंड अभी भी कह रहा हूँ इट इज़ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। इसका कॉम्पिटेटर बताना गाइस, उनसे कम्पीट करना मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी एयरबड्स मैंने टेस्ट आउट किए None can match this one. This is the by far the best under 2000 rupees price segment. अब मुझे बताना इसके प्राइस सेगमेंट से 400-500 रुपये ऊपर 400-500 रुपये नीचे चलेगा, लेकिन चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। चलो गाइस, फॉलो करते हैं द नेक्स्ट वीडियो, बाय-बाय, कैसी हैव लॉट्स ऑफ फन, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी स्टेपिंग गैजेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, तभी मैं एक एडिटर हायर कर पाऊंगा, तभी इस पर्टिकुलर चैनल पे वीडियोस भी ज़्यादा आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ना एक चीज़ से लिंक होती है, इससे वो भी चाहिए बस। चलो फिर मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, बाय-बाय, कैसी हैव लॉट्स ऑफ फन।